आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखा गया कुछ दिनों के मुकाबले में बीते 24 घंटे में ज्यादा केसेस देखने को मिले। बीते 24 घंटे में आए 26 नए कोविड पॉजिटिव के मरीज। इसी के साथ झारसो में कोरोना के एक्टिव केस पहुंचे 94 तक। बीते 24 घंटे में 4 कोविड के मरीज कोरोना से ठीक होकर घर को लौटे हैं। झारसो जिले में नए जिला बीजेडी पदाधिकारियों का नाम घोषणा किया गया। रेंगाली थाना अंतर्गत चिकिला पाली में तुजराज नामक एक व्यक्ति की सांप काटने से मृत्यु हो गई। ब्रजाजनगर के मधुपुर जंगल में गुड़गुड़ी पट्टी खेलते समय ब्रजाजनगर पुलिस चढ़ाव करके एक बोलेरो के साथ 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 8 बाइक को जब्त किए हैं। बड़गढ़ MP सुरेश पुजारी के द्वारा बिलपहाड़ नगर परिषद के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई। झारसा टाउन पुलिस की तरफ से पुन्ना बस्ती में पेट्रोलिंग के दौरान 15 लीटर देसी शराब को जब्त किया गया और उसके साथ साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नियुक्ति दावी को लेकर नीलकंठ कंपनी के सामने छोड़नी बहना ग्रामवासियों का आंदोलन पहुंचा तीसरे दिन पे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि मैरिज फंक्शंस में लोगों के शामिल होने के कारण जिले में पिछले 2-3 दिनों में एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव की संख्या बढ़ता हुआ देखने को मिली। सेंसनेस्ट ए यूट्यूब चैनल। झारसुगड़ा जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग ने थर्ड जेंडर के 6 लोगों को पहचान पत्र सौंपा है। अब वो सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस ने पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम के विरोध में पंचायत समिति कार्यालय का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर झारसुगड़ा जिले के कुछ ब्लॉक में भारी अनियमितता देखने को मिली, जिस वजह से झारसुगड़ा BJP लेकरा और किरमिरा ब्लॉक का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किए। बड़मा थाना अंतर्गत कबड़ी गांव में एक व्यक्ति पंखे से पड़ोसी के घर में लोगों पर हमला करने का आरोप थाने में दर्ज किया गया है। बड़मा थाना अंतर्गत हिरमा स्थित गौरव एल्युमिनियम में काम करते समय एक्सीडेंट में एक मजदूर की मौत हो गई। ब्रजाजनगर थाना अंतर्गत लचकुरा खदान में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे ग्रामवासियों को समझाने के लिए प्रशासन की ओर से तहसीलदार, लचकुरा खदान के ऑफिसर, नीलकंठ कंपनी के प्रवास जा गए थे। लेकिन छुअरली बेना ग्रामवासियों ने कहा कि अगर हमें नियुक्ति नहीं मिली तो हम यहां से नहीं जाएंगे। झारसुगड़ा सदर थाना अंतर्गत दो ग्रुप के बीच में मारपीट का शिकायत सदर थाने में दर्ज किया गया है। 100 मीटर दौड़ की रेस के लिए झारसुगड़ा कब्रिस्तान पड़ा और रेलवे स्टेशन पड़ा के दो ग्रुप में प्रतियोगिता रखा गया था। प्रतियोगिता में हार जीत को लेकर हुआ था झगड़ा। झारसुगड़ा पुलिस ने रवि गुप्ता नामक एक 30 साल के युवक से 7.65 mm पिस्टल जब्त किया है। अवैध रूप से पिस्टल रखने के कारण आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार भारत के प्रेसिडेंट ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटन का निर्देश दिया, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉरपोरेशन अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी। हेलो एवरीवन, मैं रूबी सेन, मैं एक होम मेकर हूँ। मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ शेयर किया है, वेज, नॉन वेज, एग रेसिपीज़, फ़िश रेसिपीज़, प्रॉन्स रेसिपीज़ एंड ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ भी मैंने बहुत सारे शेयर किए। आप मेरे चैनल पे सारे रेसिपीज़ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्वीट डिशेस भी शेयर किया है अपने वीडियोज़ में, और मैं बहुत इजी वे में सभी रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ ताकि बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी हो और वो बहुत अच्छी तरह से उसे बना सके। और अगर आपको और भी कुछ जानना है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग्स को एज मच एज पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़।